Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, in our previous lecture, we have discussed the lesson Choice of Career. And this is your lesson number 2. In this lesson, we will discuss the comprehension part of the chapter. Jab humne chapter padha tha, to usme humne dekha ke ek career counseling ek firm hai aur ek kashif ek student hai, wo apni करियर काउंसलिंग के लिए उनसे मालूमात हासिल करता है. तो इन रिटर्न वो जो करियर काउंसलिंग फर्म है वो एक लेटर लिख रही है उसको, और जिसके अंदर उसने उसको बताया हुआ है कि व्हाट आर द की थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल ऑप्टिंग एनी करियर चॉइस ऑफ करियर जो है उस वक्त आपने कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना है. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर जिसके अंदर हमने एक लेटर पढ़ा करियर काउंसलिंग एक जो फर्म है उसने काशिफ को जो एक लेटर लिखा था अबाउट द चॉइस ऑफ करियर. फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर. इस लेटर का अगर आप थीम फाइंड आउट करना चाहें तो आप क्या थीम सजेस्ट करेंगे. वैसे तो जो इसका टाइटल है यही इसका बेहतरीन थीम है, चॉइस ऑफ करियर. लेकिन उसके अलावा दो मैंने यहाँ पे थीम्स जॉट डाउन किए हैं. वन इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन करियर, कि हर इंसान अपने करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसी के कहने पे आप अपने लिए करियर ऑप्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, उसके अंदर फेलियर का जो है वो फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है. अगर आप प्रैग्मेटिकली, अगर आप सेंसिबली, अगर आप प्रॉपर जो है थ्रू एक प्रोसेस अपने लिए एक करियर ऑप्ट करेंगे तो वो बेहतरीन होगा. सो मेरे हिसाब से जो थीम है इस लेटर का वो है कि वन इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस करियर. ठीक है, अपना चॉइस ऑफ करियर में रिस्पॉन्सिबल होता है हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपने चॉइस ऑफ करियर के लिए. फिर चेज योर करियर प्रैग्मेटिकली, ये भी एक थीम हो सकता है कि सेंसिबली अपने करियर को चेज करना है. आपने सारी चीज़ें जो है असेस करनी है, सेल्फ असेसमेंट करनी है, आपने देखना है कि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स, आपने फिर देखना है कि आपका जो एजुकेशन है वो कौन सी आपको सपोर्ट करेगी जिस भी फील्ड को आप ऑप्ट कर रहे हैं. फिर उसके बाद मार्केट ट्रेंड को भी आपने जो है वो देखना है कि मार्केट ट्रेंड क्या है. उसके अंदर जो आपने अपने लिए प्रोफेशन ऑप्ट किया है, अपनी चॉइस जो है वो क्या प्रैग्मेटिकली ठीक है, सेंसिबली आपने सिलेक्ट किया है, रियलिस्टिकली क्या वो एप्लीकेबल है, उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, और मार्केट में उस करियर से रिलेटेड सेचुरेशन तो नहीं है, ऑलरेडी लोग ज़्यादा उस करियर के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है. ये सारे आपने फैक्टर्स जो है ख़ुद देखने होते हैं. तो आपने चेज योर करियर प्रैग्मेटिकली, सेंसिबली अपने करियर को ऑप्ट करना है, ये भी इसका थीम हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है जी, व्हाई डज नॉट द करियर एक्सपर्ट मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एज करियर. काशिफ जब वो करियर काउंसलिंग फर्म से हेल्प लेता है और उसको उनसे पूछता है कि मुझे अपने लिए क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, तो वो जो करियर एक्सपर्ट है, करियर काउंसलर है, वो उसको एक पर्टिकुलर करियर के बारे में क्यों नहीं बताता कि आप ये ऑप्ट करें. ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि जो करियर काउंसलर्स होते हैं दे एजिस्ट इंडिविजुअल्स इन सेलेक्शन ऑफ फील्ड्स. वो एजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं. आपके लिए कोई पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक करियर जो है वो सेलेक्ट नहीं करते, वो आपको एजिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको मेथडोलॉजी बताते हैं कि जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हुए, अपनी एजुकेशन को सामने रखते हुए, मार्केट ट्रेंड को सामने रखते हुए अपने लिए एक ऐसा करियर सेलेक्ट करें कि जिसके अंदर आप उस करियर में रहते हुए, उस फील्ड में रहते हुए, उस शोबे में रहते हुए आप इन्जॉय भी करें काम करते हुए, और प्लस आपकी अर्निंग भी हो, जो कि ठीक है इट्स द सेकंड पार्ट, लेकिन अर्निंग भी कंपलसरी होती है ऑक्यूपेशन में. ठीक है, फिर हेल्प्स द क्लाइंट्स इन इवेल्युएशन ऑफ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट्स. जो करियर काउंसलर होता है वो करियर आपको कैसे ऑप्ट करवाता है आपकी को एवेल्युएशन के ज़रिए आपको हेल्प आउट करता है कि आप एवेल्युएट करें कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं. क्योंकि आप अपनी सलाहियतों को और अपने तरजीहात को अगर आप जानेंगे, इंटरेस्ट को जानेंगे, तो आप एक बेहतर तरीके से अपने लिए कोई भी शोभा सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर करियर एक्सपर्ट नोज़ अबाउट प्रैग्मेटिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म.
जो करियर काउंसलर्स होते हैं दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रैग्मेटिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा आइडिया जो है वो फ्लोट करें जो जिसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेबल हो. तो जो आपके करियर काउंसलर्स होते हैं वो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को बालाए ताग रखते हुए वो रियलिस्टिक वे में प्रैग्मेटिज्म को सामने रखते हुए आपको एक ऐसा मशवरा देंगे कि जिसकी प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकली अचीवेबल गोल, कोई ऐसी फील्ड जो अचीवेबल हो. ठीक है, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, उसके ख्यालात, उसके एहसासात, उसकी फीलिंग्स या उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़ी हाई होती हैं, लेकिन अगर उन एक्सपेक्टेशंस को ही देख के कोई उसको फील्ड जो है वो बताई जाए तो उसके अंदर फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं. एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली इंसान को हाई रखनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ रियलिस्टिक भी होना है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, कि आप क्या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या मार्केट के अंदर उस एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें. तो जो करियर काउंसलर होता है वो बड़ा वेल अवेयर होता है प्रैग्मेटिज्म के बारे में. और इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि हर इंसान मुनफरिद है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें रखी होती हैं, तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, उसकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, उसका मेथडोलॉजी डिफरेंट है. तो उसी हिसाब से वो इंडिविजुअलिज्म को सामने रखते हुए, प्रैग्मेटिज्म को सामने रखते हुए एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो एवेल्युएट करे अपनी एबिलिटीज़ को, अपने इंटरेस्ट्स को, और उनको सामने रखते हुए अपने लिए कोई एक करियर ऐसा ऑप्ट करे कि जिसके अंदर वो ईजीली एक्सहेल भी कर सके, उसके अंदर ईजीली सर्वाइव भी कर सके और अपनी लिविंग, अपनी अर्निंग भी कर सके, ताकि वो सोसाइटी के अंदर बेहतर तरीके से रह सके. तो इसलिए जो एक करियर एक्सपर्ट है वो एक पर्टिकुलर, किसी भी बंदे को एक पर्टिकुलर करियर के बारे में नहीं बताता, लेकिन उसकी बल्कि उसकी करियर काउंसलिंग करता है, उसको समझाता है कि आप किन चीज़ों को सामने रखते हुए अपने लिए एक शोभा, अपने लिए एक करियर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वहाँ पे. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाई इज द डिसीजन ऑफ चॉइस ऑफ करियर कंसिडर्ड द टफेस्ट, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द लेटर. कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक शोभा अपने लिए सेलेक्ट करना ये सबसे मुश्किल काम क्यों है, प्रैक्टिकल फील्ड अपने लिए सेलेक्ट करना मुश्किल क्यों है. अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने इस क्वेश्चन को जो है वो जस्टिफाई करना है एग्जांपल्स के ज़रिए. हमारे टेक्स्ट जो हमारे पास लेटर है, जो हमारे पास चॉइस ऑफ करियर जो लेसन है, उसमें से हमने हेल्प आउट करनी है. तो देखते हैं जी, मिस्टेकन एम्बिशन सबसे बड़ा जो मसला है कि वेरी फ्यू पीपल आर ब्लेस्ड दैट दे नो व्हाट दे वांट टू डू एंड दे ऑप्ट दैट वेरी प्रोफेशन एंड दे एंजॉय व्हाइल बीइंग इन दैट प्रोफेशन. यानी कि अपना पैशन जो है अपना प्रोफेशन बनाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं दुनिया में विदाउट गिविंग थॉट, विदाउट थिंकिंग अबाउट, पॉन्डर अबाउट, सोचे समझे बगैर. अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ये खुदादाद सलाहियत दी होती है कि वो अपने पैशन को जानते हैं और उसको प्रोफेशन बना लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लोक, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार हो जाते हैं. अपने लिए जो एम्बिशन है, अपना जो मकसद है, अपना करियर, वो उसको गलत ऑप्ट कर लेते हैं. और उसकी रीजंस क्या है कि करियर दैट सीम सिक्योर एंड पे वेल. मोस्ट ऑफ द टाइम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने लिए करियर ऑप्ट करते हैं दो चीज़ों को सामने रखते हुए, कि एक तो ऐसा करियर हो जो सिक्योर हो और दूसरा जिसमें पैसे जो हैं वो अच्छे मिलें. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के सिनेरियो में आप देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गोइंग बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब्स, कि वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं. उसकी रीज़न क्या है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है और उसके अंदर आप देख लें कि पे आपको मंथली मिल जाती है, फिर लास्ट में आपकी रिटायरमेंट जो आपकी पेंशन है, जो रिटायरमेंट आपकी लग्जरीज हैं वो भी फुलफ़िल होती हैं. तो इस वजह से लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है आउट ऑफ द वे, ठीक है, अपनी चॉइसेस के अगेंस्ट, अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द चॉइसेस, अगेंस्ट द एजुकेशन बाज़ दफ़ा,
ठीक है, वो एक ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं जिसको वो सिक्योर, और लेकिन वो अनहैप्पी रहते हैं, वो खुश नहीं होते हैं अपने काम से, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे जो है वो टफेस्ट क्यों है, क्यों हम करियर सेलेक्ट करते हुए ये मुश्किल होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेलेक्ट दे बिकम प्री ऑफ मिस्टेकन एम्बिशन। व्हाई? बिकॉज दे ट्राई टू सेलेक्ट एनी प्रोफेशन विच सीम्स सिक्योर एंड विच पेज वेल। तो ये इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखते हुए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को दूर रखते हुए वो अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। इस वजह से ये मुश्किल काम है। फिर नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? नथिंग इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज आती रहती है, इंसान की लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट चेंज होती हैं। आप देख लें कि सम 50 टू 60 ईयर्स अगो जो आर्ट्स था, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स थे, या दोज हु वर वेरी गुड इन लैंग्वेजेस इन आर्ट्स, दे वर इंजॉइंग द जॉब्स और उनको बड़ा रिगार्ड किया जाता था, बड़ा उनको अच्छी जॉब्स मिलती थी, उनके पास जो है ना करियर्स बड़े अच्छे होते थे। लेकिन आप देखें जूँ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, जूँ ही मॉडर्नाइजेशन आई, जो वर्ल्ड है वो जो है मशीनरी की तरफ मूव करने लगी, तो अब आर्ट्स और लिटरेचर जो है उससे हट के इंसान मशीन की तरफ चला गया है। तो इंजीनियरिंग और डिफरेंट आपकी जो है आईटी फील्ड्स, वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। तो मार्केट में के ट्रेंड में चेंज आ गया। तो नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज आती रहती है, इंसान की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स में भी और मार्केट ट्रेंड्स में भी चेंज आती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान को बाज़ दफ़ा जो है वो इस परेशानी में मुब्तला कर देता है कि वो उसको करियर क्या ऑप्ट करना चाहिए। वो 10 साल 5 साल पहले वो सोचता है कि उसको ये फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए, और उसके 5 साल बाद इसे पता चलता है कि उस फील्ड के अंदर सेचुरेशन होगी, ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने वही डिग्री वही प्रोफेशन ऑप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसमें रिस्क फैक्टर और उसमें जॉब्स जो हैं वो कम हो गई हैं। तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है करियर सेलेक्शन, कि ये करियर सिलेक्शन के वक्त आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, स्मॉल टाइम के लिए अपने बेनिफिट्स नहीं देखने, कि लॉन्ग टर्म में उस करियर से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे ये आप अपने जहन में रखेंगे। फिर है जी रेलिवेंट एजुकेशन। रेलिवेंट एजुकेशन भी एक ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जो है वो इट बिकम्स टफ टू सेलेक्ट करियर। Somebody wants to be an engineer, मतलब aeronautical engineering करना चाहता है, लेकिन relevant education के लिए aeronautical engineering के लिए grades अच्छे चाहिए, आपको जो है वो एक race है एक जिसके अंदर आपने अपने आप को शामिल करना है, जिसमें grades के बाद फिर आपने किसी university में अगर आपने admission ले भी लिया तो वहाँ fees इतनी ज़्यादा होती हैं, expenses इतने ज़्यादा होते हैं, educational expenses जिनको meet नहीं कर पाता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से करियर सिलेक्शन के अंदर एक डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड पर्सनल प्रेफरेंसेस, पोटेंशियल आउटकम्स एंड बैरियर्स। के ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान को जो है पर्सनल प्रेफरेंसेस से हट के भी सोचना है। ठीक है, अपनी तरजीहात से जो है वो हट के, फिर पोटेंशियल आउटकम्स के आप जो काम कर रहे हैं ठीक है आपकी चॉइस का है, अपनी आपकी प्रेफरेंस का है, उसका आउटकम क्या होगा, क्या उसका कोई फ़ायदा है। और फिर बैरियर्स आपने देखने के, आपने सेलेक्ट तो कर लिया अपने लिए प्रोफेशन अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक, लेकिन आपको बाद में जब पता चलेगा कि उसके अंदर तो बैरियर्स प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए एक मुश्किल काम बन जाता है। ठीक है, सो वाइल कीपिंग ऑल दीज थिंग्स you have to select a career, और career counseling के अंदर ये सारे factors हैं जो involve होते हैं, जिसकी वजह से एक tough job है अपने लिए career select करना। Next question number 4 है जी, what is self-assessment, how far is it helpful in the choice of career। letter के beginning में ही वो कहता है कि pragmatically मैं आपको help out करूँगा, तो उसमें सबसे पहले चीज़ कहता है कि self-assessment, ठीक है, अपना मुहासबा करना, अपने बारे में जानना, ठीक है, सेल्फ़ के बारे में जानना। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट क्या है और कितना, हाउ फार इज़ इट हेल्पफुल इन दी चॉइस ऑफ करियर, के अपने लिए करियर अपने लिए शोभा सेलेक्ट करने में सेल्फ असेसमेंट कितना अहम किरदार अदा करती है।
evaluation of oneself or one's actions, attitudes or performance, ये self-assessment है कि आप evaluate करेंगे अपने अपने actions को कि जो आप कर रहे हैं, अपने attitude को कि आपका क्या caliber है, आपकी education क्या है, आपका temperament किस तरह का है और फिर आपकी performance कि आप क्या perform कर रहे हैं अपने education के मुताबिक, ये self-assessment है. अब self-assessment कैसे help out करती है career choice के अंदर, career counseling के अंदर, allows us to examine values, interests, personality and aptitude. अभी हमने देखा कि जो self-assessment है वो आपके attitude को, performance को, actions को जो है वो आप खुद अपनी अपना मुहासबा करते हैं, तो ये help करती है इंसान की values के, उसके अंदर क्या qualities हैं, उसका उसकी पसंद नापसंद को, उसकी personality, उसकी शख्सियत किस तरह की है और उसका aptitude के वो किस caliber का आदमी है. तो self-assessment जब आपको इन चीज़ों के बारे में बताती है तो you will be able to know yourself properly and then it will help you to select a career according to your choice. कि आप अपनी capabilities को, अपनी सलाहियतों को, अपने caliber को, अपनी education को, अपने area of interest को जब आप self-assessment के ज़रिए discover करेंगे तो वो एक बड़ा ही helping hand होगा और वो बड़ा ही helpful होगा कि आप अपने लिए उन उस चीज़ के से गो थ्रू होके अपने लिए करियर जो है वो सेलेक्ट करेंगे. बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हमारे नेक्स्ट बोर्ड पे हैं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑक्यूपेशन. जब आप सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपका आप किस फील्ड के अंदर जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से जो है वो सरवाइव कर सकते हैं. तो फिर आप उन तमाम फील्ड्स में से जो पोटेंशियल ऑक्यूपेशन है, जिसके अंदर फ़ायदा है, जिसके अंदर कोई वैल्यू है, जो मार्केट के अंदर जो है वो इन है ट्रेंड, उसके हिसाब से आप अपने लिए कोई शोभा जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे. फिर क्रिएट अ करियर एक्शन प्लान आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने लिए एक करियर एक्शन प्लान, अपना अपने करियर के बारे में मंसूबा बंदी करें, एक मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी शोभा सेलेक्ट करते हुए, शोभा ज़िंदगी सेलेक्ट करते हुए अपनी मंसूबा बंदी करें और ये सेल्फ असेसमेंट ही आपको हेल्प आउट करती है. ठीक है, तो इस तरह सेल्फ असेसमेंट आपकी सेल्फ एवेल्युएशन में है मदद देगी और फिर सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए आप जो है वो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हुए बड़े केयरफुल होंगे और अपने लिए राइट ऑक्यूपेशन जो है वो ऑप्ट करेंगे. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5. उसमें उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट को आपने, यू हैव टू समराइज द टेक्स्ट और फिर उस समरी को आपने फ्लो चार्ट में क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो आपने टेक्स्ट को समराइज किया है उसको आपने फ्लो चार्ट के ज़रिए जो है वो बताना है. तो ये बेसिकली करियर चॉइस कैसे की जाए इसका ये फ्लो चार्ट है. उसमें जो करियर चॉइस है उसमें सबसे पहली चीज़ है सेल्फ असेसमेंट, अपना आपने मुहासबा करना है, इवेल्युएट करना है अपनी इंटरेस्ट्स को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी एजुकेशन को, लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज़, फिर मार्केट ट्रेंड को, और ये सारी चीज़ें आपने प्रैग्मेटिज्म को सामने रखते हुए रियलिस्टिकली, यानी कि जो आपने चीज़ करियर अपने लिए सेलेक्ट किया है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है. तो प्रैग्मेटिकली रियलिस्टिकली रियलिज्म ज़रूरी है. आपने अपने लिए चॉइस ऑफ करियर जो है वो करते हुए अपने इमोशंस, फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को बालाए ताक रखते हुए आपने रियलिस्टिकली अपने लिए सेलेक्ट करना है कि आपके पास जो है एजुकेशन जो है सपोज ग्रेजुएशन है और आप चाह रहे हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लग जाएं, ये आपका जो है वो इंटरेस्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आपकी एजुकेशन उसी तरह ही साउंड होनी चाहिए. तो अपनी एजुकेशन को, अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए रियलिस्टिकली प्रैग्मेटिकली आपने सिलेक्शन करनी है. फिर नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जब आप प्रैग्मेटिज्म के ज़रिए अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेट्रोस्पेक्शन, रिकंसिडरेशन, बार बार अपने माजी को देखना है, अपने एजुकेशन को देखना है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखना है, फिर रीएडजस्टमेंट, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. तो आपने रीएडजस्टमेंट करनी है क्योंकि इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अपनी ज़िंदगी में ही ग्रोज अप बढ़ता है, बड़ा
मैच्योर होता जाता है तो उसकी जो है लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होती जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ही किसी एक ख्वाब को लेके घूम रहे हों, आपके अंदर अगर चेंज आया तो आपने रीएडजस्टमेंट करनी है और साथ आपने पोटेंशियल आउटकम्स को भी देखना है कि आप जो अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या उसके उसका फ़ायदा है, उसका कोई आउटकम पॉजिटिव है या नहीं है, और करंट डिमांड्स को सामने रखते हुए पोटेंशियल आउटकम जो है ये उसका देखना है। ये फिर आपको हेल्प आउट करेगा कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर रीएडजस्टमेंट है, अगेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आपने सिलेक्ट कर लिया इस प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन आगे जाके अगेन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे अपनी जो अपना जो करियर है उसको रीएडजस्ट करना है, तो इट्स ओके, आपने रीएडजस्टमेंट करनी है और रीएडजस्टमेंट करते हुए फिर वही चीज़ें अपने जहन में रखनी है। फिर आप रीएडजस्टमेंट के ज़रिए आप अपने लिए करियर सेलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। आप अपनी तमाम चीज़ों को तरतीब में लेके आएँ, ऑर्गेनाइज करें, और ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइज करेंगे आप, ठीक है, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो फिर आपको पैशन बिकम्स प्रोफेशन। फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपका जो पैशन है, आपका जो जज्बा है या आपकी जो ख्वाहिश है वही आपका फिर प्रोफेशन बनेगा, वही आपका करियर बनेगा, वही आपकी फील्ड बनेगी, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है जिसके ज़रिए हमने जो करियर चॉइस ऑफ करियर चॉइस को हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द फर्स्ट बोर्ड और वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट इसकी है, इवेलुएट द स्टेप्स ऑफ करियर चॉइस एंड टेल हाउ इफेक्टिव और अदरवाइज दे आर फॉर योर चॉइस ऑफ करियर। कि आपने स्टेप्स जॉट डाउन करने हैं और फिर उसका आपने बताना है कि उसने वो जो स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो किया क्या वो इफेक्टिव रहे हैं या नहीं रहे, तो ये आपने बताना है। तो जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले असेस योरसेल्फ, सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहले आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। उसमें आपने अपने इंटरेस्ट्स को देखना है, अपनी एजुकेशन को देखना है और अपना जो अपनी फील्ड जो आपने ऑप्ट करनी है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से अपने आप से सवालात मुख्तलिफ पूछने हैं कि क्या आप उस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं, आपके आपकी वो जो फील्ड है क्या वो आपके लिए प्रेफरेबल है या नहीं है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस, जब आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लिया तो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड जो शोबे हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। जब आप उन ऑक्यूपेशंस की लिस्ट बना लेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सप्लोर द ऑक्यूपेशंस ऑन योर लिस्ट। आपके पास जो ऑक्यूपेशंस की जो आपने मुख्तलिफ शोबों की जो आपने लिस्ट बनाई है उसको फिर एक्सप्लोर करें, नेट के ज़रिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करें कि वो जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कौन सी इन्वॉल्व हैं और मॉनेटरीली उसके अंदर बेनिफिट क्या है, उस सारी चीज़ें आपने उसको फिर उससे रिलेटेड के जो एजुकेशन आपने हासिल की है क्या वो उसके लिए काफ़ी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑक्यूपेशंस की उस लिस्ट को जो आपने बनाई है उसको आप गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऑक्यूपेशंस आप अपने लिए बेहतर समझेंगे, कुछ के बारे में आपका ख्याल होगा कि ये मुश्किल हैं या उसमें हर्डल्स ज़्यादा हैं और प्रॉब्लमेटिक हैं। तो फिर आप एक और लिस्ट बनाएंगे, क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट, छोटी लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको श्रिंक कर देंगे कि आप अपने लिए कुछ शोबे जो है सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने काम करना है, जिसके अंदर आपने इंटर होना है। फिर कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़, अब जो आपने शॉर्ट लिस्ट बनाई है उससे रिलेटेड फिर आप अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर्स से, ठीक है, लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं या उस ऑक्यूपेशन के अंदर काम करने वाले लोगों से, उनसे इंटरव्यूज़ लें कि भाई वहाँ पे काम आप कैसे करेंगे, क्या काम करना इजी है, क्या जो आपने तालीम हासिल की है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, सारी चीज़ें आपने उससे रिलेटेड काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। फिर मेक योर करियर चॉइस, फाइनली फिर उन तमाम ऑक्यूपेशंस में से आप एक करियर अपने लिए ऑप्ट करें कि ये करियर जो है ये मेरे लिए बेहतर है। फिर
आइडेंटिफाई योर गोल्स, और फिर आप आइडेंटिफाई करें कि ये मेरे गोल्स हैं, मैंने ये करियर अपने लिए ऑप्ट कर लिया है, मैंने इंजीनियरिंग करनी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इट मींस के मेरा जो गोल है वो अभी क्या है, आफ्टर मैट्रिकुलेशन जो मेरी इंटरमीडिएट है उसमें मैंने मार्क्स अच्छे हासिल करने हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको करवाती हैं, आप उसी हिसाब से अपने गोल्स को सेट करेंगे, और फिर आपने प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मसलन आप अगर अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है कि आप अपने जो मिड एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छे नंबर लें, आप प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लें शॉर्ट टर्म, फिर आप फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लें, फिर आप सेकेंड ईयर में, क्यों, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो क्या है कि यू वॉन्ट टू बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो आप फिर नेक्स्ट आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगी कि यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट जो है उसमें मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, फिर एंट्री टेस्ट के बाद आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इंटर होना है, तो वहाँ फिर आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपने GPA मेंटेन करना है, वो फिर शॉर्ट टर्म आपके जो गोल्स हैं वो जाके आपका जो एम्बिशन है, आपका जो मकसद है, आपका करियर है, उसको अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेगा, और फिर राइट अ करियर एक्शन प्लान, और इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने अपना करियर एक्शन प्लान, आपने जो अपने लिए शोभा सेलेक्ट किया है उसके लिए एक मुकम्मल जामे जो है प्लान, उसके अंदर तरीक़ाकार आपने वाजे करना है, जिसको फॉलो करेंगे तो आप फिर उस अपने गोल तक, अपने करियर तक पहुंच पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने कॉम्प्रिहेंशन में जो 6 क्वेश्चंस थे उनको इन डिटेल डिस्कस किए। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड इट विल हेल्प यू आउट इन योर करियर काउंसलिंग, और क्योंकि नाउ यू आर इन इंटरमीडिएट, डेफिनेटली आफ्टर इंटरमीडिएट यू विल बी गोइंग टू ज्वाइन एनी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अपने लिए ऐसी एजुकेशन हासिल करनी है कि जिसके बाद आप अपने लिए एक करियर ऑप्ट करेंगे, तो बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल, और साथ जो है वो मार्केट ट्रेंड और रियलिस्टिकली जो है अपनी सेल्फ असेसमेंट के बाद अपने लिए कोई करियर जो है वो अभी से ही आप ऑप्ट करें। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।